नेक्स्ट ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, मिस्टर विनोद टीचेस मैथमेटिक्स टू क्लास डैश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री आउटकम फॉर मिस्टर विनोद? इंक्रीज द स्टूडेंट एनरोलमेंट, इंक्रीज द स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम अटेंडेंस? यूनिवर्सिटी ने मैक्सिमम अटेंडेंस किया सी, असी जा रहे सी, जा तुसी जा रहे सी, इंक्रीज इन एक्टिव पार्टिसिपेशन। सारा फोकस, सारा राइट आंसर ये दो शब्दों के बेस पर है। ये दो शब्दों के कौन, ये एविडेंस की ने कि दो शब्दों का कंपैरिजन किया जाए? इन ट्रडिशनल क्लासरूम सैटिंग फिजिकल अटेंडेंस इज नैसेसरी फॉर स्टूडेंट टू रिसीव द डायरेक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इंट्रैक्शन विद द टीचर एंड बेनीफिट फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरमेंट। ये नहीं है कि फिजिकल अटेंडेंस की कोई वो नहीं है, लेकिन अगे जाके पता लगेगा कि देखो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग कैन एनहांस द इंपैक्ट ऑफ फिजिकल अटेंडेंस। जेकर एक्टिव पार्टिसिपेशन है तो अटेंडेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन कॉज है, यदा इफेक्ट हो सकता है ना। सो कॉज नू फड़ना है। जे असी अच्छी पार्टिसिपेशन करावांगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देवांगे, अगे आ जाना है तो अटेंडेंस वधेगी ही बाय इनक्रीजिंग द स्टूडेंट एंगेजमेंट मोटिवेशन एंड नॉलेज रिटेंशन। ये चीज़ों के फायदे होंगे, बच्चे आएंगे। रिसर्च कॉन्सिस्टेंसली कॉन्सिस्टेंटली सपोर्ट द आइडिया दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट आउटकम आ गया, इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट इन रिटेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, कलैबोरेशन स्किल। सारिया ही ये शब्द नैशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 विच दिते गए हैं। सो इनकॉरपोरेटिंग एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन एजुकेशनल सैटिंग कैन लीड टू मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स। रिसर्च एविडेंस सपोर्ट दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन कॉम्बिनेशन विद एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग स्टूडेंट एंगेजमेंट इन हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एंड कलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस अलाइन विद द कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल कैन लीड टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मोटिवेशन टू लर्न। एक्टिव पार्टिसिपेशन अलाउ स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एक्टिवली एंड मीनिंगफुली, फोस्टरिंग द डीपर एंड मोर एंड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मेरे ख्याल से तुसी नहीं लिख सकना, मोस्ट वैलिड जिहड़ा ये दो लाइन हैं प्याजे ते वगोस्तकी, जिहड़ा तुसी पी एस टैट सी टैट सारे च पढ़ना है और बार बार तुसी इस नू समझन लई करना है। प्याजे ते मैं डायरैक्ट जो प्याजे ने थ्यूरी ते एक्सपैरीमेंट किए सी अपने बच्चों ते, वह एग्जैक्ट करके हुण पावांगा। तुसी जे पी एस टैट सी टैट कुछ भी यूजीसी नैट करना चाहते हो, प्याजे नू बहुत आसानी नाल सौखे तरीके नाल समझना चाहते हो, वह वीडियो का आसरा लै सकते हो। एक एक एक्सपैरीमेंट तो होएगा, मज़ेदार है, तुसी अपने फैमिली के बच्चों से बाद अप्लाई भी कर सकते हो। वैगोस्की जो प्याजे तो भी उत्ते गए सी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाल गए सी। इनफ्लुएंस थ्यूरिस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड देयर थ्यूरीज हैव इंप्लीकेशन स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन्होंने बहुत जोर दिता। सो पंजाबी विच भी रवायती क्लासरूम सैटिंग विच पंजाब विद्यार्थियों की सीधी हदायत प्राप्त करने लई ये पंजाबी विच सेम है करना, अध्यापक की गलबात करना, तो एक ढांचागत सीखने का माहौल लाभ लैन लई शरीरिक हाजिरी जरूरी है, इन्ना असी मन लिया है। सीखने विच सरगम भागीदारी विद्यार्थियों ने शमूलियत प्रेरणा ते ज्ञान धारना वधा के शरीरिक हाजिरी के प्रभाव में वधा रही है। जे भागीदारी अच्छी है तो शरीरिक हाजिरी ज़्यादा होएगी। खोज लगातार इस विचार के समर्थन करती रही है कि सीखने विच सरगर्म भागीदारी विद्यार्थी दे नतीजे नूं सकारात्मक तौर पर प्रभावित करती है, जिस विच सुधारी धारना, आलोचनात्मक सोच, समस्या का हल करना, प्रेरणा और सहयोगी हुनर शामिल हैं। विद्यक सैटिंगां विच सरगर्म सिक्ख्या दीयां रणनीतियां नूं शामिल करने लई विद्यार्थियों लई वधेरे प्रभावशाली अते दिलचस्प सीखण दे अनुभव हो सकते हैं। खोज सबूत सीखण विच समग्र भागीदारी दे नाल सुमेल विच रचनात्मक ता दी प्रभावशाली दा समर्थन करते हैं। मेरे ख्याल पंजाबी भी नहीं समझ आती होएगी। विद्यार्थियों के हैंड ऑन गतिविधियां समस्या का हल करना इन्ना कुछ सीखते हो, सहयोगी सीखने के तजर्बे रचनात्मक सिद्धांतों के नाल मेल खाते हैं, तो सीखने के बेहतर नतीजे संकल्प समझ हल
इन्ना कुछ डिवेलप हुंदा है जे तुसी एक्टिव पार्टिसिपेशन करदे हो। सो मेरे ख्याल सारा मैं पढ़ देवां, जरूरी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्याजे ते विगोस्की दी थ्योरी फंडामेंटल जिहड़ा जिहड़ा ने दोनों ने जोर दिता और वर्ल्ड वाइड सब तो ज़्यादा अपरूवड थ्योरी जिहड़ियां जिहड़ा दे बेस ते टीचिंग लर्निंग बेस्ड प्रोसैस बेस्ड है अच्छी अच्छी कंट्री विच टॉप दे इंडिया वर्ल्ड दे टॉप दे फिनलैंड जिहदा एजुकेशन सिस्टम टॉप ते मन्निया जांदा है वो प्याजे ते विगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म अपलाई करदे हन, एक्टिव पार्टिसिपेशन कराउंदे हन। तो असीं किद्दां कह सकते हाँ कि ये आंसर गलत है? सो ये सबूत सन, लॉजिक सन, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल थ्योरीज एंड स्कूल्स ऑफ लर्निंग। थैंक यू। इन्होंने तुहाडा पिछा नहीं छड्डना, इन्हां ने तुहाडा पिछा शब्दां ने नहीं छड्डना। जब तक तुसीं जॉब नहीं लै लैंदे ईवन इन सर्विस विच भी इन्हां ने पिछा शब्दां ने नहीं छड्डना। प्याजे, वैगोस्की, कंस्ट्रक्टिविज़म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म। सो हुण तो ही नाल नाल लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।